एग्जीबिशन में आने से लंका बच गई है, परंतु रावण को इन लोगों में कोई नहीं बचा सकता। हमारा उत्तर तुम्हारे राजा की मृत्यु का संदेश है। और अपने राजा से यह भी कहना कि अभी समय है, यदि अपना अपने कुल खुश चाहते हो किसी राम प्रभु की शरण में आ जाओ तो आप ही लंका के राजा रहेंगे। मुझे राज सिंहासन की कोई लालसा नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं, आप तो जानते ही हैं कि महाराज रावण का हठ कितना अटल है। अच्छा ये तो बताइए कि इस समय हमारी सेना में तुम्हारे कितने गुप्तचर है। विभीषण जी, निश्चय आप मुझसे ये आशा तो नहीं करते होंगे कि मैं अपने विभीषण को देखें। ऐसा नहीं जिसका आपको ज्ञान नहीं, सारे अस्त्र आपके अधीन है, परंतु रावण इसके अतिरिक्त प्रकांड मायावी है। उसे समस्त मायावी विद्याओं का अभ्यास है और उसे श्री ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा बहुत से वरदान भी प्राप्त है। वो युद्ध से पहले तांत्रिक यज्ञ द्वारा अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन करने वाला है। इसलिए मुझे दैवी प्रेरणा मिली है कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्त्रोत की शिक्षा प्रदान करूं। ये सनातन रहस्य है, इसके जब से आप युद्ध में ऐसे थोड़ी ही लगेगी, मैं पूरी रात बुलवाता हूँ जब तक सबके हाथ नहीं उठने के, पीछे तक सबके हाथ उठना चाहिए। अरे बैठ जाओ भैया, हनुमान जी बैठ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ। भारत माता की, देश में शस्त्र की पूजा होती आई है दोस्तों, और मुझे लगता है कि आज का समय फिर दोबारा से शस्त्र के पूजन का समय है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और कस्बे के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हर कार्यक्रम को, हर प्रोग्राम को, हर धार्मिक कार्यक्रम को आपस में मिलजुल कर बनाइए। Thank you.
उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। भगवान श्री राम के राज तिलक के कार्यक्रम का मंचन LED पर किया जाएगा।